नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर है ए, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है बी, वन। यानी वन जल चक्र को नियंत्रित करता है। वन वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकताएं हैं? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम अनुकूल तथा बच्चों के निडरता का परिवेश होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण कक्ष में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? इसका आंसर है डी, मेथेन। घरेलू मवेशी जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि तथा भेड़ मेथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। मवेशी जब जुगाली या पगुरी या ये जब निगल के चबाना शुरू करते हैं तो इसके अंतर्गत मेथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है बी, रैड़ी गांव, जो उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह उत्तराखंड राज्य उस समय उत्तर प्रदेश में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुड़ा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन वनों का अव्यवहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रैड़ी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, जिसे 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में 21 महिलाओं ने पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं और पेड़ों को कटने से बचा लिया। अंत में वन अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैड़ी गांव का पेड़ नहीं कटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? इसका आंसर है ए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाता है। अम्ली वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा जली और स्थली दोनों प्रकार की जीवों को प्रभावित करती है। आज ताजमहल इसी का एक उदाहरण है। ताजमहल की तबाही मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कारण बना है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती हैं? इसका आंसर है डी, अंडा देने के लिए। मादा मच्छर स्वस्थ अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती हैं, जबकि नर मच्छर रक्त चूसने का काम नहीं करता है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत तथा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत हैं। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इसका आंसर है डी, सौरमंडल। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल, जिसमें मानव जगत आते हैं, आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी तथा एनिमल प्लैनेट, ये सभी टीवी चैनल जो मानव जीवन से संबंधित सभी प्राकृतिक व अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं। अतः पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ने वाले छात्रों को उपयुक्त सभी चैनल देखने का सुझाव देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।